देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन को जगाने के लिए चले हैं और बिहार परिवर्तन की धरती है और बिहार जगेगा तो इधर जो बंगाल में ममता दीदी पाकिस्तान बनाना चाहती हैं उस पर भी असर पड़ेगा, इधर जोगी बाबा का यूपी और बीच में बिहार, फिर बंगाल में एक हवा बनेगा, सनातनमय हवा होगा। कुछ लोग इनके विरोध कर रहे थे दौरे का, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान आया, उनके मंत्री का भी बयान आया बागेश्वर बाबा को लेकर, ऐसे लोगों के लिए क्या जवाब है आपका? नहीं, मेरा कोई जवाब नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि बागेश्वर बाबा के ऊपर महादेव की दया है, महादेव मतलब बजरंगबली, और जिसके ऊपर बजरंगबली की दया हो उसका कौन क्या बिगाड़ेगा, वो राष्ट्र निर्माण के काम में निकला है। आज कर्नाटका चुनाव का भी रिजल्ट आना है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 150 सीट लाएंगे और हम लोग यहाँ सरकार बनाएंगे। भाई, जनता जिसको वोट देगी, अब हाथ कंगन को आरसी क्या, लेकिन धीरेन्द्र बाबा किसी पार्टी के नहीं हैं, सत्ता किसी की बने किसी की ना बने उससे ज़्यादा जरूरी है भारत के सनातन, और सनातन से पहचान है भारत का। जब सनातन गिरेगा, उन्होंने कहा 80 और 20, जब 20 है तब तो ये दुर्दशा है सरतन से जुदा का, अगर आगे होगा तो क्या होगा, और भारत की पहचान भी मिटेगी, लोकतंत्र भी खतरे में पड़ेंगे जब सनातन की जनसंख्या। नीतीश कुमार एक आखिरी है, नीतीश कुमार गए थे महाराष्ट्र, गए थे नवीन पटनायक से, वैसे उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उन्होंने तो कह दिया कि कोई तीसरा फ्रंट नहीं होगा, मोदी से भी मुलाकात कर ली, तो इनकी तो दावा जिस तरीके से ये कर रहे हैं तो दावा कहीं ना कहीं फ्लॉप होते दिख रहा है। अरे भाई, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई किसी को मना करेगा? बेचारे 2010 में भी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए ही बीजेपी से अलग हुए थे, और 2022 में भी बीजेपी से अलग हुए हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के। देखो, गाना नहीं है, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन को जगाने के लिए चले हैं और बिहार परिवर्तन की धरती है और बिहार जगेगा तो इधर जो बंगाल में ममता दीदी पाकिस्तान बनाना चाहती हैं उस पर भी असर पड़ेगा, इधर जोगी बाबा का यूपी और बीच में बिहार, फिर बंगाल में एक हवा बनेगा, सनातनमय हवा होगा। कुछ लोग इनके विरोध कर रहे थे दौरे का, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान आया, उनके मंत्री का भी बयान आया बागेश्वर बाबा को लेकर, ऐसे लोगों के लिए क्या जवाब है आपका? नहीं, मेरा कोई जवाब नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि बागेश्वर बाबा के ऊपर महादेव की दया है, महादेव मतलब बजरंगबली, और जिसके ऊपर बजरंगबली की दया हो उसका कौन क्या बिगाड़ेगा, वो राष्ट्र निर्माण के काम में निकला है। आज कर्नाटका चुनाव का भी रिजल्ट आना है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 150 सीट लाएंगे और हम लोग यहाँ सरकार बनाएंगे। भाई, जनता जिसको वोट देगी, अब हाथ कंगन को आरसी क्या, लेकिन धीरेन्द्र बाबा किसी पार्टी के नहीं हैं, सत्ता किसी की बने किसी की ना बने उससे ज़्यादा जरूरी है भारत के सनातन, और सनातन से पहचान है भारत का। जब सनातन गिरेगा, उन्होंने कहा 80 और 20, जब 20 है तब तो ये दुर्दशा है सरतन से जुदा का, अगर आगे होगा तो क्या होगा, और भारत की पहचान भी मिटेगी, लोकतंत्र भी खतरे में पड़ेंगे जब सनातन की जनसंख्या। नीतीश कुमार एक आखिरी है, नीतीश कुमार गए थे महाराष्ट्र, गए थे नवीन पटनायक से, वैसे उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उन्होंने तो कह दिया कि कोई तीसरा फ्रंट नहीं होगा, मोदी से भी मुलाकात कर ली, तो इनकी तो दावा जिस तरीके से ये कर रहे हैं तो दावा कहीं ना कहीं फ्लॉप होते दिख रहा है। अरे भाई,
मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई किसी को मना करेगा? बेचारे 2010 में भी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए ही बीजेपी से अलग हुए थे और 2022 में भी बीजेपी से अलग हुए हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के। एगो गाना नहीं है, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए।